सो गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट। सो हम लोग रुके हुए डिस्किट में आज, और कल रुके थे, सॉरी मतलब कल हम रुके थे डिस्किट में। तो हम निकले थे पैनामिक से, कल नुब्रा पैनामिक नुब्रा से निकल के हम डिस्किट आए, डिस्किट में होल्ड कर गए। तो यहाँ पे हमने कल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया अंडर में। आप सिर्फ जो डबल कैमल राइड है वो आप देख सकते हो, एंड उसके बाद आप वाइट स्टैंड जो उसका भी मजा ले सकते हो। हम रुके हुए थे इस वाले होटल पे, ये गेस्ट हाउस है। तो ये रहा गेस्ट हाउस, एक छोटा सा कमरा था, कॉमन बाथरूम है, सेरिंग है बाहर पे। सो यहाँ विजय भैया उठ गए, गुड मॉर्निंग विजय भैया, टाइम क्या हुआ है? यहाँ अपडेट 7:04 और यहाँ का वेदर अभी है 8 डिग्री, और बाहर मौसम आज भी ख़राब हो रहा है। तो 2-3 दिन यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है। तो आज का जो प्लान है ना, एक्चुअली तुरतुत जा रहे विजय जी, बिल्कुल कन्विंस विजय हुआ है मैंने, और हमारे साथ हम जाने वाले हैं पैंगोंग, और ये कन्विंस कर रहे हैं कि तुरतुत चले। अभी तो पता नहीं क्या है, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर डिसीजन चेंज हो गया तो कुछ भी हो सकते हैं, देखते हैं क्या है। क्योंकि एक्चुअली जाने का मन है तुरतुक हमें, पर हमारा जो है ना लिमिटेड जो छुट्टी पे है अभी, तो ऑफिस का भी मतलब देखना है, तो सब कुछ देखना है, इसीलिए ऑलरेडी हम छुट्टी मतलब जो प्लान है उससे आगे चल रहे हैं मतलब। तो देखते हैं क्या है, ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक, अगर माइंड चेंज हो गया तो बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिर से बारिश शुरू हो गया, और एक चीज़ है यहाँ पे कि मौसम कभी भी 2-1 घंटे में खुल सकता है, लेकिन पहाड़ों का मौसम कुछ भरोसा नहीं है। तो देखते हैं कैसा होता है, प्लान में भी अभी कुछ पता नहीं। तो फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए, सेम हमारा डाइनिंग रूम कल जहाँ डिनर किए थे वहीं पे है। ब्रेकफास्ट में क्या है दिखाते हैं। हमारा चाय आ गया है, दीदी ने चाय हमारे पी लिया, हमें चाय का चुस्की ले आया सोच में, मस्त चाय, ठंडी का चाय। यहाँ आ गया हमारा ब्रेड और ऑमलेट, सर जी खा गए हैं, इसमें जैम भी है और बटर भी है, सागर भी आ गया है, और अभी तक हमारा चर्चा जारी है कि जाना है या नहीं है तुरतुक। सो गाइस, तो फाइनली डिसाइड हो चुका है, जो विजय जी है वो निकल रहे हैं तुरतुक, और हम निकल रहे हैं पैंगोंग के लिए, मोनेस्ट्री होके डिस्ट्रिक्ट होके। तो विजय जी को हम बोल रहे कि कन्विंस कर रहे चलो पैंगोंग, पर इनको तुरतुक जाना है, इनको तुरतुक देखना है। तो ठीक है, हमारा भी छुट्टी के लिए मतलब, नहीं तो हम पक्का जाते थे। और हमने विजय जी काफ़ी अच्छा लगा, आइए आप बहुत बहुत अच्छा लगा हमारे इस वीडियो पे, और हक बनता है सर, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है सर, मतलब ग्रेट डे, मतलब 2 दिन थे या 3 दिन थे, तीसरा दिन है आज, मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन गया। हम फिर से मिलेंगे जल्दी, और हम हमें दिखाना चाहते हैं, सर ने हमें वो दिया है सर, हमारे तरफ से, हमारे तरफ से थोड़ा सा भेंट, और सागर ने गिफ्ट दिया है, नहीं नहीं हम सागर ने नहीं, हम दोनों की तरफ से, दोनों तरफ से बताऊँ जो हमने इनको गिफ्ट किया है, ठीक है। ये देख लो, ये है फ्लैग, ये हमने इनको गिफ्ट किया है यहाँ पे, और इन्होंने लगा दिया है। फिटनेस आपको नेगेटिविटी से दूर रखे, और ऐसा ऐसा भी माना जाता है सर कि जो जो एयर जो पास होता है ना लाइफ को छू कर, दैट ब्रिंग्स गुड कर्मा होगा। सो आई होप कि आपके लाइफ सुखमय हो, और आपने जो वर्ड यूज किया सर, आपने जो वर्ड यूज किया सुखमय, वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, सही यू आर नॉट हैप्पी, और हम ऐसा करते हैं मतलब बहुत जल्दी हम फिर से मिले, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और एक अच्छा राइड करेंगे। ये बाइक है TVS सुजुकी फियोरो, और इस बाइक की बहुत कहानी थी, जो हमने बातें की, हमने सुना 20+ ईयर्स से ये सर जो है इस बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं, और कहाँ नहीं गए, मतलब हम बोल रहे हैं इनको कि नॉर्थ ईस्ट आए, और मैं नंबर दूंगा आपका, मुझे फ़ोन करें, हम नॉर्थ ईस्ट का भी राइड करेंगे अगर से। और इनका जोश है ना फुल हाई है, मतलब ट्रैवलिंग में हमसे भी ज़्यादा है सर, गाइस सीरियसली बोलता हूँ, जब ये राइडिंग करते हैं ना, इनका एक्सपीरियंस देख के मतलब दिल खुश हो जाता है सच में। बाय बाय, सेफ राइड, ठीक है ना, अच्छा सा आराम से करना, और व्हाट्सएप नंबर उसी में ना आपका, बिल्कुल। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री, और ये बाइक को ना साइड करते करते सांस फूल गया ऐसा था, और ऊपर नीचे कोई प्लेन रोड नहीं है, और तीनों तरफ
बाइक है, सब तमिलनाडु के। तो ये यहाँ से मेन रोड है हाईवे, और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आपको ये आर्क देखेगा बुद्धा का मनुष्य जाने के लिए, तो वहाँ से ऊपर चढ़ जाना गाइस, ठीक है ना। और अब ज़्यादा दूर नहीं है हमारे होटल से, जहाँ हमारा गेस्ट हाउस है वॉकेबल है, पर इतना चढ़ाई में हम वॉकेबल नहीं करेंगे, बोले सागरमाला वॉकेबल जाएंगे। हमने कहा यार अब इतना चढ़ाई नहीं करना, क्योंकि आगे जर्नी बहुत लंबा है, सांस फूल जाएगा तो हो गया। फिर देख रहे हो कितना ऊपर है ज़्यादा नहीं, 200-300 मीटर ही है, पर चढ़ाई है बस। हाँ, जैसे आप एंट्री करोगे गाइस, यहाँ पे एंट्री टिकट है, यहाँ पे एंट्री टिकट देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ बैठे हैं टिकट के लिए। सर जी झूले ऊपर ड्रोन उड़ा सकते हैं, अलाउ नहीं है। अरे पहले तो उड़ाए थे सर जी, अबे कुछ चार्जेस वर्जेस लेके कुछ। हाँ हाँ सर दे दो सर, बहुत दूर से आए हैं सर, एक बार भी ड्रोन उड़ाए नहीं यहाँ पे, उड़ गए। रजिस्ट्रेशन है पूरा ड्रोन, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा। हाँ गाँव में नहीं उड़ा सकते हैं। नहीं मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उड़ा के बस बंद करें। सीन ऐसा हो गया, ड्रोन उड़ाऊँ या नहीं उड़ाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोल रहे हैं कि 2-3 महीने से हो गया, वो बैन कर दिया है पूरा लद्दाख में ड्रोन उड़ाने को, पर पता नहीं। चलो सर जी बोले उड़ाना है तो अपने रिस्क पे उड़ाओ यार। ये घर है मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री है। अच्छा तो ऊपर ये मोनेस्ट्री है शायद, ये जो लामा लोग रहते हैं उन लोग रहते होंगे। पर मुझे अपना ड्रोन उड़ाना है भाई, ड्रोन उड़ाना है, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा हूँ। आ जाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। बस पार्किंग नीचे ही है, पार्क कर दिए नीचे पे बाइक, और सुबह आने का ही फ़ायदा है, लोग कम रहते हैं। शाम को आते ना, अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है, देखते हैं नज़ारे जाके। मुझे क्या उसके बारे में बता दो, ऊपर जाके सांस फूल रहा था। तो ये मोनेस्ट्री बोलते हैं ऊपर वाला जो है ये भी, तो शायद यहाँ पर लामा लोग, यहाँ कोई टूरिस्ट लोग आते हैं जो रुकते होंगे, VIP लोग, उनके लिए होगा। देख रहे हो कितने ऊपर है, धर्मपुर पहाड़ के एकदम कोने कोने पे ही बनाया है स्ट्रक्चर इस तरह। हेलो गाइस, वेलकम वेलकम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, और डिस्ट्रिक्ट गोमसा के नाम से भी जाना जाता है इसको। सो अभी हम लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट गोमफा पे। और गाइस ये बुद्धिस्ट के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, और ये जो मोनेस्ट्री है गाइस नॉर्दर्न लद्दाख के नुब्रा वैली में इस्टाब्लिश किया गया है। फाउंडर है गाइस चैंगपो जी है, जिन्होंने इसका फाउंडर किया था 1940 में। तो गाइस ये मोनेस्ट्री जो है नुब्रा से 20-25 किलोमीटर है, और ले से 150 किलोमीटर पड़ेगा, एंड काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। 360 डिग्री आप देखोगे तो चारों तरफ पूरा माउंटेन से देख लो पूरा से आपको नुब्रा व्यू, नुब्रा वैली व्यू भी दिखेगा, एंड डिस्किट का जो विलेज है वो भी देख सकते हो गाइस, ठीक है ना। यहाँ से गाइस टेम्पल के अंदर जा सकते हो, अंदर वीडियो फोटोग्राफी कुछ अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो ये साइड है, अंदर जाके प्रे करके आ सकते हो। तो यही था, अभी निकलता हूँ यहाँ से गाइस, निकल के पैंगोंग जाते हैं, वापस पैंगोंग जाना है, रूम को जाएंगे, बैकपैक करेंगे, उसके बाद जो है अपना पैंगोंग का जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे। ड्रोन उड़ा पाया नहीं, उसके लिए अफसोस है, ठीक है कोई बात नहीं,
जो यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करते हैं। गाइस ये पूरा नोबरा एंड बिस्किट वैली दोनों ही है एंड प्लस अंडर भी है यहाँ पे। और यह सागर कर रहे हैं कुछ नया ताबड़तोड़। हमने बना दिया एक छोटा सा गुडलक स्टोन टावर, ये देख रहे हो, ये वाला मेरा, ये सागर का है। लोग देखो कितने लोग आ गए, अभी सुबह एक दो गाड़ी था, अभी पूरे बन रहे। और ये सब लोग ऑलमोस्ट सारे लोग पैंगोंग निकलने वाले हैं। अब पैंगोंग का रोड कैसा है, काफ़ी टफ होने वाला है? मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, एडवेंचर होने वाला है। एडवेंचर के लिए तो आए हैं आप, पूरा ऑफ रोड होने वाला है। अभी तक ऑफ रोडिंग अभी चाहिए इसको, अब देखेगा। रुको, तो यहाँ पे दीदी ने चाय दिया हुआ है, तो कब दीदी बोल रही है इसका पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत करो, चाय पी के जाओ। यस, बस चाय बनाई दीदी ने। ठंड में चाय जितना पियो ना, मतलब कमी नहीं लगता है। मैं इतना चाय पीता नहीं हूँ घर पे, पर यहाँ पे जो इतना चाय पी रहा हूँ ना, ठंड का एक ही इलाज है, चाय।